सर कैसी लगी निकम्मा? निकम्मा मूवी, निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो गाना सुपर्ब है, आखिर में आता है, बहुत इंतजार करवाया जी, पर गाना सुपर्ब है। लड़का अभिमन्यु दधानी उड़ उड़ के मार रहा है। अच्छा, मजा आ गया देख के। एक्शन भाई शब्बीर भाई का वही फ्लेयर है जो हीरोपंती में उड़ उड़ के टाइगर से करवाया था जी, इससे करवा रहे हैं। कभी धूल उड़ रहा है, कभी पानी उड़ रहा है, क्या कैमरा एंगल है। मसाला देखो, बुराइयां बहुत लोग बताएंगे जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉप मूवी है, बट आप अपना दिमाग रख के जाओ, मसाला देखने जाओ तो जाओ यार। क्या बात है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने एश्योर्ड है कि पहली मूवी और प्यार हो गया, बराबर है, प्रिया थिएटर है दिल्ली में, उसमें देखी थी। और मैं अपने फ्रेंड से कह रहा था मैं 3 घंटे एश्योर्या को देख सकता हूँ जी। वही चीज अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं शर्ली फैन हूँ, तो मैं 3 घंटे शर्ली को देख सकता हूँ। हालांकि रोल कम है, लेकिन जितना भी है, कैमरा लव्स शर्ली, वो स्क्रीन पे आती है, लिट कर देती है स्क्रीन को। जी सर, जी सर। तो देखो यार, जाके भर दो थिएटर, जाओ, कम ऑन। सर इस मूवी का म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कितनी काफी अच्छी है। वो गाना बहुत अच्छा है, निकम्मा किया। बाकी वो किलर वाला जो गाना है वो भी अच्छा लगता है। शर्ली को सोच के लिखा गया होगा। नीता दत्ता जी ने स्टाइलिंग बहुत कमाल की है इसमें। स्टाइलिंग के अलावा जावेद जी का एक्शन और ये सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। इंडिया में जिस तरह से दिखाया है, ड्रोन शॉट्स हैं, अच्छा लगेगा। ग्रैंडियर है मूवी। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें, एक्शन तो भाई कमाल किया है, उड़ उड़ के मारे। मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ना, जो बाइसिकल किक मारते हैं जुवेंटस के अगेंस्ट, उन्हें सीखना चाहिए अभिमन्यु दसानी से कि नेक्स्ट में कैसे गोल मारना है, क्या उड़ उड़ के मार रहा है यार। अच्छा लास्ट सवाल रहेगा सर, 5 out of 5 कितना देंगे? 5 out of 5 मुझसे पूछ रहा है तू? और एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो विलेन है जी, नाम मैंने अभिमन्यु जी अभिमन्यु जी का क्या स्वैग है यार, क्या स्वैग। वो पिट रहे हैं, वो एंट्री ले रहे हैं, उनसे यार सीखो यार स्वैग। यार ये फिल्म में स्वैग दिखाना था जी। आई थिंक सुपर काम किया अभिमन्यु जी ने जी। सर ऐसा विलेन मतलब बहुत ही अच्छा फाइंड है, और जो भी उन्होंने लाए हैं एक एक सीन में, वो पिट रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मैं ऐसा विलन देखना चाहता था। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैं एक्टर ही हूँ। कैसी लगी मैम निकम्मा? निकम्मा मूवी इज फैंटास्टिकली अमेजिंग, क्रेजी। क्या बात है, क्या बात है। यस, अभिमन्यु दसानी इस मूवी के हीरो, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो क्यूट ही पाए है एकदम, ऐसे छोटू 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 छोटू। और इस शेरली, सॉरी शेरली मैम के बारे में, उनका डेब्यू है। शेरले मैम, शेरले तो अमेजिंग है, शी इज अ क्यूटी पाई, ऐसे छोटा सा बच्चा उठा के ऐसे रख दिया उसे, शी इज सो क्यूट। और शिल्पा मैम, अरे वाह क्या लगती है शिल्पा मैम, बहुत दिनों के बाद बड़े स्क्रीन पे देखने को मिला। यस, बहुत दिनों के, आई थिंक बहुत सालों के बाद, तो मजा आया उनको देख के। और उनके हम फैन है बहुत, बहुत बड़े तो नहीं बोल सकते, बट यस उनके डांस के, उनके एक्टिंग के, परफॉर्मेंस के लाइक। मूवी में सॉन्ग है निकम्मा किया इस दिल ने, वो कैसे लगी आपको? निकम्मा किया इस दिल ने लाइक सुपर सेक्सी सॉन्ग फॉर मी, बिकॉज़ आई एम अ डांस कोरियोग्राफर, सो यस आई लव दिस सॉन्ग, बिकॉज़ आई लाइक लव एलिमेंट जो न्यू आया है, बीट्स एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छा। मूवी का डायरेक्टर है साबिर खान, उनका डायरेक्शन कैसा लगा आपको? काफी अच्छा, काफी अच्छा लगा। ऑडियंस को किस तरीके से अपील कीजिएगा इस मूवी के लिए? सॉरी, ऑडियंस को किस तरीके से अपील कीजिएगा इस मूवी को देखने के लिए? यार गाइस प्लीज जाके देखो, एकदम बोले तो रापचिक ताबड़तोड़ पिक्चर है, जस्ट गो एंड वॉच, बहुत मजा आएगा। एक्चुअली तो बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है जी, बहुत प्यारी सी चीज है, और कुछ चटपटा, अफकोर्स जहाँ प्यार है वहाँ चटपटा और मसाला। मैम एक लास्ट सवाल रहेगा कि लोग इसको कंपैरिजन भी कर रहे हैं क्योंकि एमसीए का लोग रीमेक बता रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो मुझे आइडिया नहीं है, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, मुझे स्टोरी अच्छी लगी। रेटिंग कितना करेंगे मूवी? रेटिंग 4.5। थैंक यू सो मच।